अमेरिकन पिटबुल टेरियर एक ऐसी डॉग ब्रीड जो कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है अपने अटैक्स की वजह से और अपने एग्रेसिव नेचर की वजह से। हमारे आज के बेस्ट ऑफ द डॉग ब्रीड की सीरीज में आज हम बात करेंगे अमेरिकन पिटबुल टेरियर के बारे में। तो सबसे पहले आप लोगों के मन में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि क्या पिटबुल टेरियर फर्स्ट टाइम डॉग ओनर के लिए रिकमेंडेड है? इसका सीधा सा जवाब है नहीं। क्या पिटबुल काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं? यस। तो अगर आप पिटबुल लेना चाहते हैं तो कुछ ऐसी बातें हैं जिसके बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए, और इस वीडियो में मैं उन बातों को कवर करने वाला हूँ। सबसे पहला पॉइंट, पिटबुल फैमिलीज के लिए कैसे होते हैं? ये क्वेश्चन सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लोग इसके बारे में सबसे ज़्यादा जानना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी यंग लोग हैं जो पिटबुल लेना चाहते हैं बट उनके घर में फैमिलीज में काफ़ी सारे मेंबर होते हैं जिनकी वजह से उन्हें सोचना पड़ सकता है। तो इस क्वेश्चन का मैं सिंपल सा आंसर दूँ तो हाँ, पिटबुल फैमिलीज के लिए अच्छे होते हैं और घर में जिनके बच्चे हैं उनके लिए भी पिटबुल अच्छे हो सकते हैं, बट कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है। जैसे कि अगर आप एक्सपीरियंस्ड ओनर है तभी पिटबुल ले, जैसे कि सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम या फिर फोर्थ टाइम डॉग ओनर है तो आप पिटबुल टेरियर ले सकते हैं, क्योंकि आपको पहले डॉग रखने का एक्सपीरियंस हो जाता है कि उसको किस तरीके से मैनेज करे, किस तरीके से संभाले और कैसे बिहेवियर पे कैसे रिएक्ट करे। बट अगर आप फर्स्ट टाइम डॉग ओनर है और फिर भी पिटबुल लेना चाहते हैं या फिर ले चुके हैं, तो इसका 50-50% चांस है कि आप पिटबुल टेरियर को अच्छी तरीके से संभाल पाएंगे या फिर अच्छी तरीके से नहीं संभाल पाएंगे। बट आजकल जो है डॉग में ट्रेंड चल रहा है कि जिसके पास पिटबुल है वो बंदा काफ़ी रिच है, काफ़ी पावरफुल है, तो काफ़ी लोग जो है पिटबुल ले लेते हैं शौक के चक्कर में, बट फिर बाद में उनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, जैसे कि उनका डॉग पिटबुल जो है वो एग्रेसिव हो जाता है, वो दूसरे डॉग्स को, दूसरे एनिमल्स को काटने के लिए दौड़ता है और दूसरे ह्यूमंस को भी पास नहीं आने देता। ऐसी प्रॉब्लम काफ़ी सारे लोगों को फेस करनी पड़ सकती है। तो अगर आप पिटबुल लेने का सोच रहे हैं तो अगर आप सेकेंड टाइम या फिर थर्ड टाइम ओनर है तो ही ले, जिससे कि आपको डॉग को समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। और रही हमारे क्वेश्चन की बात कि पिटबुल फैमिलीज के लिए और बच्चों के लिए कैसे हैं, तो आई होप इसका जवाब आपको मिल गया होगा कि अगर आप एक एक्सपीरियंस डॉग ओनर होने के बाद जो है पिटबुल टेरियर को लेते हैं या फिर अडॉप्ट करते हैं, तो अगर आप उसको संभाल सके अच्छी तरीके से तो फैमिलीज के लिए जो है और बच्चों के लिए भी वो काफ़ी अच्छे कंपेनियन हो सकते हैं। बट एक और चीज़ है जिसको मैंने पहले मेंशन किया था कि क्या पिटबुल एग्रेसिव हो सकते हैं, जिसका मैंने आंसर दिया था हाँ। और अगर आप इस डॉग ब्रीड को बिना सोचे समझे लेते हैं तो बचपन में नहीं तो बड़े होने के बाद अगर ये बाई चांस एग्रेसिव हो जाए तो इनको संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इस डॉग ब्रीड को लेने से पहले आप 10 बार 100 बार सोच लें कि इनकी जो नीड्स होती है, जैसे कि इनका डाइट हो गया, इनकी एक्सरसाइज नीड्स हो गई, इनकी ट्रेनिंग हो गई, इनकी सोशलाइजेशन हो गई, ये सारे इनकी नीड्स जो है ये अगर आप पूरी कर पाए तो ही आप ले इस डॉग ब्रीड को, वरना फिर हो सकता है आपको बाद में प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। अब एक और मेन क्वेश्चन के बारे में बात करें कि पिटबुल टेरियर की प्राइस क्या होती है। आपने देख लिया, आप एक्सपीरियंस्ड ओनर है, आपने लेने का सोच लिया बट प्राइस नहीं पता होगा तो कैसे लेंगे? अब देखा जाए तो पिटबुल टेरियर की प्राइस मार्केट में एकदम अनप्रिडिक्टेबल है, मतलब कोई फिक्स प्राइस नहीं है। एवरेज प्राइस भी देखा जाए तो इनका कोई अंदाज़ा नहीं है, कोई आपको 15,000 में भी पिटबुल दे देता है, कोई 20,000 में भी दे देता है, कोई 30,000 में भी दे देता है, और हाई लेवल वाले जो होते हैं वो 50,000-60,000-70,000 तक में भी मिल जाते हैं। बट मैं जितना मानता हूँ आपको 20,000-25,000 या फिर 27,000 रुपये तक में एक अच्छा खासा अमेरिकन पिटबुल टेरियर मिल जाएगा। अब पिटबुल के नेचर के बारे में पता कर लिया, पिटबुल की प्राइस के बारे में पता कर लिया, आप डॉग लेकर आ गए घर पे, लेकिन अब पिटबुल की डाइट का क्या, उसके डाइट के ऊपर कितना खर्चा आ सकता है? सो मैं यूजुअली बताऊँ तो जिन लोगों के पास टाइम नहीं होता उनके लिए तो वो जो पैकेज वाले डॉग फूड आते हैं वही रिकमेंड करते हैं डॉक्टर्स भी, और वेट वगैरह पे आप कहीं पे भी जाएंगे। बट जिनके पास टाइम है, जो अपने डॉग की अच्छी तरीके से केयर कर सकते हैं, वो घर पे बने हुए खाने भी दे सकते हैं। घर के खाने में अलग अलग तरीके की वैराइटीज़ चीज़ें दे सकते हैं, कभी वेजिटेबल्स हो गया, कभी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, कभी चिकन हो गया, कभी एग्स हो गए, पनीर वगैरह, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वैराइटीज़ के साथ आप दे सकते हैं अपने डॉग को। अगर ये जो पेडिग्री और रॉयल कैनिन वगैरह है ये कब तक ही खिलाएंगे आप? तो देखा जाए तो जिनके पास टाइम है और जिनका बजट उतना ज़्यादा नहीं है वो घर पे ही खिला सकते हैं घर का खाना भी।
बट अगर आपके पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी, आप काफ़ी बिजी पर्सन है, तो पिटबुल तो पहली बात मत ही लीजिए। और अगर कोई दूसरा डॉग लेते हैं छोटा मोटा फ्रेंडली टाइप का, तो उसके लिए आप पैकेज फूड दे सकते हैं, वो काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आप पैकेज फूड लेना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी हमने काफ़ी हद तक पिटबुल के बारे में जान लिया है, अब कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात, क्या पिटबुल एज अ कंपेनियन आपके लिए अच्छे हैं? यस, बट काफ़ी टाइम ऐसा होता है लोग एक स्टेटस सिंबल की तरह, जो कि मैंने पहले मेंशन किया कि पिटबुल रहेगा तो काफ़ी स्ट्रांग लगेंगे, रिच लगेंगे, तो एक स्टेटस सिंबल की तरह पिटबुल को ले लेते हैं। और स्टेटस सिंबल का लेने के जो क्या है नुकसान, ये है कि पहली बात तो डॉग्स को अच्छी तरीके से संभाल नहीं पाते, उतना प्यार नहीं दे पाते, बस बेल्ट पकड़ के, गाड़ी में बिठा के, जीप में बिठा के ऐसे घुमाने से स्टेटस सिंबल ही कहा जा सकता है उसे। बट एज अ कंपेनियन ढूंढ रहे हैं, एक पार्टनर ढूंढ रहे हैं, तो हाँ पिटबुल को आप अच्छी तरीके से संभाल पाएंगे। सो गाइस, यही था हमारा आज का एपिसोड अमेरिकन पिटबुल टेरियर के बारे में। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दे रखा है, आप वहां पे जाके फॉलो कीजिए और अपने क्वेश्चंस रखिए, मैं आंसर करूंगा वहां पे जितना पॉसिबल हो सके। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो नीचे वो लाइक का बटन ज़रूर दबाना, और अगर चैनल पे नए हैं तो वो सब्सक्राइब का बटन और वो बेल आइकन ज़रूर दबा के जाना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहली मिल सके। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।